Hello friends, how are you? Wish you a warm welcome to Typical World Channel. Hello friends, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि पिछले दिन मैंने जो फ्लिपकार्ट पे Redmi Note 4 का मैट ब्लैक कलर में ऑर्डर किया था वो आज ही मेरे पास डिलीवर हुआ है। तो चलिए देखते हैं उस पैकेट में क्या क्या है और उसका क्विक रिव्यू। Redmi Note 4 को फ्लैश सेल के दौरान आपको कैसे क्या 2 सेकंड के अंदर कैसे आपको खरीदना है, इसके लिए मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो भी डाला है, उस वीडियो को देख सकते हैं कैसे फ्लैश सेल के दौरान एक या 2 सेकंड के अंदर कैसे उसको खरीदना है। तो उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को आप देख सकते हो और आप भी उस फ्लैश सेल के दौरान तुरंत एक या 2 सेकंड के अंदर आप भी खरीद सकते हो। ये जो Redmi Note 4 मैंने खरीदा है ये मेरा पर्सनल यूज़ के लिए ही मैंने खरीदा है, तो इसका डिटेल यूज़र रिव्यू और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या खूबियाँ है, वो जल्द ही इस चैनल पे आएगा। तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह का वीडियो इस चैनल में रोज़ाना आता है। थैंक यू। पैकेट मेरे पास आया है कुछ इस तरह का है, ऊपर में एक स्लिप टैग लगाया हुआ है जिसमें डॉट जॉट प्रीपेड लिखा हुआ है और मेरा सिटी टाउन का कोड लिखा दे रहा है, ये मेरा नाम है और इस थर पे फ्लिपकार्ट का ब्रांडिंग है और इसमें लिखा है दिस बॉक्स हैज़ वन साइड ओपनिंग ओनली सिक्योर बाय शिपिंग लेवल, ये बोल रहा है कि एक ही साइड से ओपन होगा और इसमें एक लिखा है कि डू नॉट एक्सेप्ट इफ शिपिंग लेवल इज टॉर्न। ये जो शिपिंग लेवल है ना टेम्पर्ड है तो इसको आप मत रिसीव कीजिए, क्योंकि अगर ये टेम्पर्ड है तो ये किसी ने शायद ये ओपन किया होगा। तो इस साइड पे एक पेपर है, देखते हैं इस पेपर पे क्या है। ये ऐसा एक पेपर है जो कि शिपिंग के दौरान एयरपोर्ट पे कस्टम्स वालों के काम आता है, इसमें डिटेल्स होता है कि कहाँ से ये प्रोडक्ट आ रहा है, किस लिए आ रहा है और इसमें क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये एक डुप्लीकेट शिपिंग लेवल है जो यहाँ पे लगाया हुआ है, वही है, वो एक डुप्लीकेट कॉपी में है। तो इसको हम साइड पे रखते हैं और इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इस पैकेट में क्या क्या है। तो पहले ये इसको हम कट कर देते हैं इस तरह और इसको इस तरह से कटना पड़ेगा। और इस तरह से इसको कटना पड़ेगा। आप ओपन करते ये है Redmi Note 4 का पैकेट। तो इसको हम अभी साइड पे रखते हैं और ये बिल्कुल ही व्हाइट कलर का पैकेट है, आप देख सकोगे या नहीं, एक फोल्ड लिखा हुआ है, आप काइंडली इसको देखिए घर से इस तरह से, ऊपर पर कुछ नहीं लिखा है और इस साइड पे एक बारकोड जैसा कुछ है, इस साइड पे लिखा है Redmi Note 4 और इस साइड पे MI का ब्रांडिंग है MI.com और इस साइड पे भी Redmi Note 4 लिखा हुआ है। मैंने 4GB रैम और 64GB रोम वाला मॉडल ऑर्डर किया है, वो भी ब्लैक कलर में और इसमें लिखा है मेड इन इंडिया, यह इंडिया में ही बना हुआ है और इसमें लिखा है डू नॉट एक्सेप्ट इफ द सील इज़ ब्रोकन। इसमें लिखा है Redmi Note 4 डुअल सिम डुअल स्टैंडबाई, इसमें डुअल सिम है, ये हाइब्रिड स्लॉट है, अगर इसमें आप दोनों सिम घुसाओगे तो आप नॉर्मली कोई MicroSD यूज़ नहीं कर पाओगे, अगर आपको MicroSD यूज़ करना है तो आपको एक ही सिम यूज़ करना है। इसमें LTE 4G है, TD-LTE, WCDMA, GSM, इसमें क्वालकम स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जो कि बहुत ही पावर एफिशिएंट एक प्रोसेसर है, 5.5 फुल HD IPS डिस्प्ले है, इसमें जो एमुलेट डिस्प्ले नहीं है, इसका रियर कैमरा है 13 MP का और फ्रंट कैमरा है 5 MP का, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जो कि बहुत फास्ट है, जो मैंने
इसका जो लीफलेट है उससे पता चला है, और है अनरिमूवेबल 4100 एम्पियर बैटरी। इस पैकेट में क्या क्या है, Redmi Note 4 एक एडाप्टर, USB 2.0 केबल, इसमें 3.0 का USB पोर्ट नहीं है, यूज़र गाइड और वारंटी कार्ड। प्रोडक्ट का नेम है मोबाइल फ़ोन और मैन्युफैक्चरर है Xiaomi Communication प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें लिखा है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट मॉडल, कंटेंट्स, और MRP है 13,999 वो चुकाना पड़े। तो ऐसा ही है पैकेट। तो चलिए इस पैकेट को आप ओपन करते हैं। इस पैकेट के ऊपर में एक पॉलीथीन का कवर है जिसको हटाने के बाद ही इस पैकेट को आप ओपन कर पाओगे। चलिए आप इस सील को हम अभी ओपन करते हैं। ये जो पहले चाइना में लॉन्च हुआ था उस मॉडल तो नहीं है, इंडिया के लिए ये थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। 1, 2, 3, ये है Redmi Note 4 जो कि मैट ब्लैक कलर में है। तो इस फ़ोन को हम बाद में देखते हैं, तो पहले देख लेते हैं इस पैकेट के अंदर क्या क्या आता है। इसको हम साइड पे रखते हैं। तो पहला जो ये है लिमिटेड हैंडसेट लिमिटेड वारंटी, ये कुछ वारंटी है जो कि बहुत ही बोरिंग स्टफ है, इसको हम साइड पे रखते हैं। ये है Redmi Note 4 का जो क्विक स्टार्ट गाइड होता है, वो ये है कि कैसे आपको सिम को इसमें घुसाना है, कैसा इसका जो लेआउट है वो बताया गया है, और कुछ खास नहीं है। इधर है जो एडाप्टर है, जो कि इंडियन सपोर्टेड एडाप्टर है वो दिया गया है। इसका एम्पियर रेटिंग देखते हैं, इसका एम्पियर रेटिंग है 5 वोल्ट और 2 एम्पियर। इसका एम्पियर रेटिंग है 5 वोल्ट 2 एम्पियर। ओके, यहाँ पे ये जो USB का पोर्ट है वहाँ है, ये सील करके दिया गया है, और ये है USB केबल। ये केबल का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये टाइप सी वाला नहीं है, ये नॉर्मल केबल जैसा ही है, और ये 3.0 भी नहीं है। तो इसको हम साइड पे रखते हैं, और मैं आपको पूरी दिखाता हूँ कि इस पैकेट में आपको क्या क्या मिलेगा। ये है एक सिम इजेक्टर टूल, और कुछ खास है नहीं इस पैकेट के अंदर। देखिए इस पैकेट के अंदर कुछ खास है नहीं, तो इसको हम साइड पे रखते हैं। यह है Redmi Note 4 जिसमें है 4GB RAM और 64GB ROM। कुछ इस तरह फ्रंट से दिखता है, ये पीछे का तरफ है, इसमें एक स्टिकर लगा हुआ है वार्निंग नॉट डिसेंबल द बैटरी विदाउट स्पेशलाइज टूल, ये एक स्टिकर है। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। तो ये है बैक साइड से, ये फोन मेटल से बना हुआ है, इसका साउंड सुन सकते हो, और इसको पकड़ने में बहुत प्रीमियम फील हो रहा है क्योंकि इसका जो साइड है ये पूरी तरह से चैम्पर्ड है। और एक बात मैं आपको बताना चाहते हूँ कि इसका मेटल सिर्फ इसी पार्ट पे है, ये टॉप और बॉटम है ये प्लास्टिक से बना हुआ है, इसलिए इस मिडिल और दोनों एजेस में थोड़ा कलर डिफरेंस आपको शायद महसूस होगा। चलिए देखते हैं इस फ़ोन का लेआउट क्या है। यह 5.5 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले है। इधर फ्रंट फेसिंग कैमरा, यह है ईयर पिक, और इसमें एक LED शायद LED ही होगा, तो और इसमें सेंसर वगैरह होता है, और यहाँ बैक की मेनू की ऐसा जो कोई फिजिकल ऊपर में कोई फिजिकल बटन नहीं है, में ब्रेजल बिल्कुल कम है, लेकिन दोनों अप और डाउन में ब्रेजल थोड़ा सा मोटा है। जो डिस्प्ले है ये 2.5D कर्व्ड है क्योंकि इसका डिस्प्ले का एजेस थोड़ा सा कर्व्ड है। ये एक बढ़िया फीचर भी है और एक एनोइंग फीचर भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो डिस्प्ले है ये फुल HD तो है, लेकिन इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास या ऐसा कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस बाई फैक्ट्री इसमें आप नहीं पाओगे,
तो इसको आप एक्सटर्नली फिक्स करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने जो बता रहा था कि इसका जो एजेस है, स्क्रीन का जो एजेस है 2.5D कार्ड, तो उस सपोर्टेड उसमें पूरी तरह से फिक्स होने वाला गोरिल्ला ग्लास पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये एक एनोइंग फीचर हो सकता है। साइड पे है जो सिम टूल है, वो ये सिम इजेक्टर होल है, और ऊपर में है 3.5mm ऑडियो जैक। ये है एयर ब्लास्टर। इस फ़ोन से आप लगभग जो रिमोट कंट्रोल से चलता है सभी डिवाइस को आप इसको इसके सहारे आप ऑपरेट कर सकते हो, जैसे कि एसी, वीसीआर, एलईडी, एलसीडी टीवीज, सेट टॉप बॉक्स, सेंसेस रिमोट कंट्रोल से चलता है। तो इससे आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो इसको किसी डीवीडी और सेट टॉप बॉक्स टीवी में कैसे कॉन्फ़िगर करना है उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो इस चैनल में रोजाना आता है। ये है सेकेंडरी माइक्रोफोन जो बेसिकली नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए काम करता है। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो उस माइक से आपको थोड़ा सा जो नॉइज़ आता है आउटडोर का नॉइज़ वो कैंसिल हो जाएगा। और इस साइड पे है वॉल्यूम रॉकर की, यह है पावर ऑन की, और नीचे है स्पीकर का ग्रिल्स, और यह है 2.0 डेटा पोर्ट। तो इसमें शायद आपको लगता है कि दोनों स्पीकर है, लेकिन इसमें एक ही स्पीकर, सिमिलरिटी रखने के लिए इन्होंने इस तरह का स्पीकर का डिज़ाइन किया है। ये सेम थिंग मैंने मोटो जी पे भी देखा था। आपका पहला लगेगा कि इसमें दोनों स्पीकर है, लेकिन इसमें दोनों स्पीकर बिल्कुल भी नहीं है, इसमें सिंगल स्पीकर ही है। तो ये है Redmi Note 4 का ब्लैक कलर का। मैं ब्लैक कलर इसलिए ख़रीदा कि गोल्डन कलर तो सभी लोग लेते हैं, और Redmi Note 4 का जो गोल्डन मॉडल है वो जो ऊपर में ना, वो जो पीछे पूरा गोल्डन फिनिश एकदम बढ़िया है, ये सब गोल्डन है, लेकिन ये जो ऊपर है ना ये वाइट में है, जो बहुत ही मेरे को ऑड लगा। और पीछे में है 13 MP का रियर फेसिंग कैमरा। ये डुअल टोन LED है, और ये है फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि बहुत फास्ट है, और यहाँ नीचे पे MI का ब्रांडिंग दिखाई दे रहा है। और ये ब्लैक कलर का फ़ोन बहुत ही प्रीमियम फील होता है, जैसा कि आज की डेट में सभी प्रीमियम फ़ोन्स जैसे कि iPhone 7 ऐसा कुछ फ़ोन्स वो ब्लैक कलर में ही आ रहा है, और इसका भी बहुत ही बढ़िया है। इसका जो फिनिश है, इसका जो पेंट का फिनिश है, ये मैट कलर में किया गया है, जो बहुत ही शाइनी तो नहीं है, लेकिन इसको फील करने में आपको बहुत ही प्रीमियम फील होता है, एक प्रीमियम फ़ोन के तरह आपको फीलिंग देता है, क्योंकि इसका एजेस पूरी तरह से चैम्पर्ड है, ये मेटल से बना हुआ है, और यह बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, और इसका मोटाई भी उतना ज़्यादा नहीं है, इसको आप इजीली हाथ पे ग्रिप कर सकते हो। कलर का एक प्रॉब्लम है कि जो डार्क ग्रे और गोल्डन कलर है उसका जो नहीं है, और एक प्रॉब्लम है जो अगर प्रिंट पड़ रहा है वो बहुत ही आसानी से दिखाई दे रहा है। मैं आपको ये दिखाना चाहते हो, मुझको नहीं लगता ये आप देख पाओगे। ये देखिए, मैंने अभी भी इस नए फ़ोन को ओपन किया, मेरा फिंगरप्रिंट यहाँ पड़ गया है। ये फिंगरप्रिंट तो हट जाएगा, ये टेम्पररी है, लेकिन ये दिखाई दे रहा है। तो इससे आप बचने के लिए कोई भी कवर यूज़ कर सकते हो। ये प्रॉब्लम डार्क ग्रे और गोल्डन में थोड़ा कम होगा क्योंकि उसका ग्लॉसीनेस बहुत ही ज़्यादा है। तो और कुछ खास नहीं है, इस भी और कुछ ड्रॉबैक्स मैं अभी बता रहा हूँ। जैसा कि इस डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोडक्शन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका वो जो गोरिल्ला ग्लास ये ख़रीदना होगा। इसका बैटरी है 4100 mAh का, लेकिन इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। इसका जो बढ़िया फीचर है, ये स्नैपड्रैगन का 625 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जो कि 40nm टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। जो इसका जो प्रोसेसर का जो कोर्स होता है, इसका डिस्टेंस बहुत ही कम है जो है 40nm, जो कि इस फ़ोन को बहुत ही पावर एफिशिएंट बनाता है। तो डेट में इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये फ़ोन ही सबसे बेस्ट है, और आपका सबसे बढ़िया फीचर ही मिल रहा है। लेकिन अगर इस फ़ोन के अंदर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट या स्टूडियो फोनिक स्पीकर मिल जाता तो ऑडियो एक्सपीरियंस और भी बहुत बढ़िया होता, लेकिन इस फ़ोन में सिंगल स्पीकर ही है। इसका डिटेल रिव्यू और मेरा ओपिनियन मैं ही इस चैनल पर अपलोड करूँगा, लेकिन इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसका पूरा रिव्यू और मेरा ओपिनियन मैं जल्दी शेयर करने वाला हूँ, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या खूबियाँ है, वो भी पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप इस चैनल पे आएगा। ये सारा वीडियो आप देख पाओगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक देम। टाटा, बाय बाय।
अगर आपका कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।